Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. So title से देख के तो आप वैसे समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू कलर माई हेयर. यस, लास्ट ईयर मेरा ये गोल था कि आई हैव टू यू नो कट माई हेयर शॉर्ट. कलरिंग ही रह गया है, बाकी सब कुछ तो कर ही डाला है. सारे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बालों के साथ कर लिए हैं. सो बट मैं थोड़ा सा करेज गैदर कर रही थी कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, कहीं बाल डैमेज हो गए और ज़्यादा खराब हो. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू ट्राई बींग अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ बाई एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई हेयर कलर, बिकॉज मैंने अपने हेयर में कभी भी लाइफ में कलर नहीं करवाया है. मेरे बालों जो बालों का जो कलर है वो एकदम जेड ब्लैक जो होता है वैसा कलर है. सो कलर करने से पहले मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि मुझे बेसिकली करना क्या है और मुझे किस तरीके का कलर करना है. तो मैंने सोचा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत इजी एंड सेफ खेलने वाली हूँ. मैं बिल्कुल भी बिकॉज ऑफ कोविड, तो एक तो मैं बाहर पार्लर में नहीं करवाने वाली हूँ. दूसरा एक रीज़न ये भी है कि पार्लर में वो ब्लीचिंग वीचिंग और वो बहुत सारा लाइट एंड फिर कलर वो करके वो एक्सपेरिमेंट वाला करते हैं, तो मुझे अपने बालों को इतना रिस्क में नहीं डालना है. एंड मैं सिर्फ सोचा कि मैं खुद घर पे ही करने वाली हूँ. लॉरियल पैरिस इज द नंबर वन हेयर कलर ब्रांड इन द वर्ल्ड. सो दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू रेंज ऑफ गॉर्जियस अल्ट्रा विजिबल वाइब्रेंट शेड्स कॉल्ड एयर कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल. तो व्हाट्स न्यू एंड डिफरेंट इन दिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल, वो मैं आपको बता देती हूँ. सो दिस रेंज हैज स्टनिंग फैशन शेड्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर डार्कर हेयर टोन. तो आपके डार्क हेयर में भी जो कलर होने वाला है ना वो बहुत विजिबल होने वाला है ड्यू टू इट्स सुपीरियर फॉर्मुलेशन एंड मेक्स हेयर अप टू 5 times मोर ग्लॉसी एंड शाइनी. इट लास्ट अप टू 32 वॉशेज. इट हैज नो अमोनिया विच इज अ ग्रेट थिंग, की वजह से मैंने इसको चूज किया है. ये आपके हेयर ब्रेकेज को भी रिड्यूस करता है अप टू 93%. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हेयर कलर करना. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पैक के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. आई एम श्योर मेरे जैसे काफी सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम खुद के बालों में हेयर कलर करने वाले हैं. तो इसको ओपन करते हैं, चेंज करती हूँ कंफर्टेबल क्लोथिंग में. और हाँ, बालों को वॉश भी करना है, लेकिन आपको शैम्पू नहीं करना है, आपको नॉर्मली ही अपने बालों को सिर्फ वाटर वॉश करना है, मतलब रिंस करना है इन शॉर्ट बोलूं तो. तो ये है लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल विथ नो अमोनिया. इसके अंदर आता है एक तो कलरेंट क्रीम, और इसके बाद जो दूसरा क्रीम आता है वो आता है डेवलपर क्रीम. बस ये दो क्रीम होते हैं. नाउ ये एक शाइन मास्क है विथ रॉयल जेली, कंडीशनर टाइप से वर्क करता है, बट ये मास्क होता है. उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल है एंड साथ में हैंड ग्लव्स आते हैं. तो सबसे पहला जो हमको प्रोसेस करना है वो ये करना है, डेवलपर क्रीम के अंदर हमको जो हमारा कलरेंट है 1 number वाला उसको डाल करके ऐसे शेक करना है. एंड ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये प्रोडक्ट लगाएं इससे पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें 24 hours पहले अपने स्किन पे, जो कि मैं कर चुकी थी ऑलरेडी. तो यहाँ पर मैंने बालों को वॉश कर लिया है, रिंस करा है पानी से, शैम्पू वॉश नहीं किया है. और उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पर ये जो क्रीम मैंने मिक्स किया हुआ है उसको यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. एंड इस तरीके से क्या होता है, जब आपके बाल गीले होते हैं ना तो ये अप्लाई बहुत अच्छे से होता है. आपको पार्शियली ड्राई करना होता है, पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है. अब ये मैं पूरे अपने हेयर पे लगा लूँगी इस क्रीम को. जब ये क्रीम पूरे बालों में लग जाएगी, अच्छे से अप्लाई हो जाएगी, तब 20 to 30 minutes तक आपको इसको एज इट इज़ रखना है. मैंने ये 20 minutes तक रखा था. एंड उसके बाद वॉश कर लेना है. हेयर को वॉश करने के बाद जो हमारे पास शाइन मास्क था विद रॉयल जेली उसको मैं लगाऊंगी पूरे बालों में अच्छी तरीके से. एंड 2 minutes तक उसको हमको एज इट इज़ रख के रखना है. एंड अगेन फिर वॉश कर लेना है अपने बालों को. ओके गाइस, सो आई एम डन विद माय कलर. आई वॉश्ड माय हेयर, टोटल ड्राई कर लिया है मैंने. अब मैं आपको पास से जो अपने हेयर हैं वो दिखाती हूँ. जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द कलर ऑफ माय हेयर. इट्स अमेजिंग, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. आई रियली लव इट. एंड मुझे जिस तरीके का कलर चाहिए था, लाइक बहुत अलग कलर ना हो जाए मेरे बालों से, मुझे ऐसे ही हल्का सा गोल्डन शेड ऑफ ब्राउन जो होता है ना, मुझे वैसे ही चाहिए था. लुक एट दिस, हाउ प्रीटी दे आर लुकिंग. जब मैं नेचुरल लाइट में जाऊँगी, सनलाइट में जाऊँगी ना, आई एम श्योर दिस विल लुक अमेजिंग, लाइक लिटरली अमेजिंग. बहुत सही लग रहा है. आई एब्सोल्युटली लव इट. Totally, totally worth it. The whole experience is very luxurious. It's amazing because this is so convenient, easy to use, and instant transformation. I literally loved it. मतलब parlor में घंटों बैठने से अच्छा within 20-30 minutes में आपको ये look मिलता है. I loved it. Just look at the glossiness in my hair. कितने ज़्यादा glossy and इतने soft हो गए हैं and कितना ज़्यादा shiny लग रहे हैं. जब ये color निकल जाएगा तब I will going to definitely try the lighter shade, because अभी तो मैंने थोड़ा safe play किया to be very honest. But I am very very impressed with the result. This is my first time hair color at
होम या इन होम क्या मतलब जीवन में पहली बार ही हेयर कलर किया है मैंने. आई एम वेरी हैप्पी, वर्थ ट्राइंग था ये. आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड विद दिस प्रोडक्ट. सो ये जो लॉरियल पेरिस का कास्टिंग क्रेम ग्लॉस अल्ट्रा विजिबल जो है ये वो आता है 650 रुपीज का, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. मतलब 32 वॉशेज तक आपको ये लास्ट करने वाला है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता है. इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट एंड आप कौन सा शेड ट्राई करने वाले हो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो. एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी. आई डेफिनेटली गोइंग टू रेकमेंड यू, अगर आप लाइफ में कभी कलर करना चाहते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने हेयर से, डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट बिकॉज काफी अफोर्डेबल. आई थिंक पार्लर में यही चीज आपकी 3 से 4 हज़ार का फटका स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं, 3 से 4 हज़ार और तो पता नहीं कितना ही जाता होगा. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. एंड इतना मजा आ रहा है ना बालों को छूने में इसकी बस. तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ट्राई जरूर करिएगा. बाय.